आंकड़ा बढ़ गया था, जिसके बाद तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अब पुनः सरकारी मेडिकल कॉलेज की मदद से 8 दिनों के भीतर सीरो सर्वे शुरू करने की जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने दी। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान लोगों में कितनी हर्ड इम्यूनिटी तैयार हुई थी, इसका आकलन करने के लिए सीरो सर्वे किया गया था। दूसरी लहर में बाधित और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ गया था, जिसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो गया। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अब पुनः सरकारी मेडिकल कॉलेज की मदद से 8 दिनों के भीतर सीरो सर्वे शुरू करने की जानकारी विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए निधि की जरूरत होती है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाती थी, किंतु 1 सितंबर से केंद्र ने यह निधि कम कर दी है, जिससे अब राज्य सरकार में खनिकर्म महामंडल की निधि की मदद लेने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सीरो सर्वे के लिए आवश्यक किट खरीदी जा चुकी है। हा महत्त्वाचा विषय आई थिंक आपल्या नागपूर जिल्ह्याचा एक मोठा मानबिंदू आहे। फ्लाइंग क्लब मध्ये आपण मी आल्याच त्याची बैठक घेतली होती। आपल्याकडे काही की पोस्ट होते ते भरलेले नव्हते आणि हे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीचं जे चेकलिस्ट आहे किंवा जे नॉन निगोशिएबल ज्या काही मुद्द्यांमध्ये हा एक भाग आहे की आपल्याला ती पदं भरून घ्यावी लागतात। आपण भरली पण होती पण त्यांनी रेझिग्नेशन दिलं वगैरे अशा पण काही गोष्टी झाल्या, म्हणून आपण आता ग्राउंड इन्स्ट्रक्टर फ्लाईट इन्स्ट्रक्टरची सगळी पदं भरलेली आहेत। त्या सर्व स्टाफबरोबर माझी टेक्निकल स्टाफबरोबर बैठक पण झाली। आपल्याला त्यांचे सगळे आता सर्वांचं आपल्याला भरतीमुळे आपली सगळी पोझिशन साऊंड झाली, त्यामुळे आपण आता FTO सर्टिफिकेटसाठी DGCA अर्ज करतो आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला जेव्हा DGCA प्रमाणपत्र मिळेल तर आपण फ्लाईंग क्लब सुरू करू शकतो। म्हणजे DGCA सर्टिफिकेट हे एक फॉर्मॅलिटी आहे। त्या सर्टिफिकेट प्राप्त करून घेण्यासाठी ज्या काही गोष्टी आपल्याला करणं आवश्यक होत्या, विशेष करून मॅनपॉवरच्या बाबतीमध्ये, कारण मॅनपॉवर हे हायली ट्रेन्ड आणि टेक्निकली कॉम्पिटंट मॅनपॉवर पाहिजे, तर ती सगळी भरती प्रक्रिया आपण पूर्ण केली। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद फ्लाइंग क्लब शुरू होने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। फ्लाइंग क्लब शुरू करने की दिशा में रिक्त पदों को भरा गया है। नागरी उड्डयन महासंचालन को फ्लाइंग की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। उनकी ओर से अनुमति मिलते ही क्लब शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना पर रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने की दिशा में प्रशासन उपाय कर रहा है, लेकिन लोगों को भी नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। विभिन्न विभागों में हो रही भीड़ को देखते हुए 15 दिनों में कोरोना जांच होनी चाहिए, साथ ही नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इसे विभाग द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। सेरो सर्वे च्या बाबतीमध्ये मला आपल्याकडूनच सूचना होते आणि फीडबॅक होता की खूप आय थिंक सेकंड वेव्हच्या आधी सेरो सर्वे झाला होता, तर आम्ही कलेक्टर आणि आम्ही आमच्या बैठकीमध्ये जी आमची कोविडची बैठक त्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे आणि आताच मला निरोप आला की जीएमसीने आता ते प्रपोजल हे करून त्याची जी काही किट्स खरेदी केलेली आहे आणि आपली सिरो सर्वे लवकरात लवकर आपण सुरू करू शकतो। म्हणजे येत्या 1-7-8 दिवसामध्ये आपल्याला सिरो सर्वे हा सुरू करता येईल आणि तो मला वाटतं महत्त्वाचा राहील की आपल्यामधल्या सिरो सर्वेचे रिझल्ट्स हे महत्त्वाचे राहतील। तर कलेक्टरनी तो प्रस्ताव आता मंजूर करून GMCला आदेश दिलेले आहेत आणि GMCच्या माध्यमातून आता आपल्याला तो सिरो सर्वे करता येईल, त्याची पूर्ण तयारी झालेली आहे। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, जिससे लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। जिले में भले ही कोरोना के मामले नियंत्रित हो, लेकिन मामलों में वृद्धि न हो, इसलिए सभी को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।